हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, हमारी सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है ख़त्म हो चुकी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, और जैसा कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज़ आपको बताती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और घंटे आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे जो है सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने किया। ये शब्द किसने दिया? सबसे पहले हम्बोल्ट ने दिया। वायुमंडल, हमारा वायुमंडल मीन एटमोसफेयर। एटमोसफेयर होता क्या है? पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर या वातावरण बोलते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारे इसके चारों तरफ आवरण फैला हुआ है ये हमारा क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। फिर हमारे आते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल का संगठन। किन किन चीज़ों से मिलकर वायुमंडल हमारा बना है? ठीक है, तो इन चीज़ों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है। सबसे पहले हमारी गैसें होती हैं। गैसें हमारी दो प्रकार की होती हैं, ये जैसे कि स्थाई और अस्थाई। ठीक है, तो स्थाई जैसे कि नाम से पता चल रहा है परमानेंट, जो ऑलवेज रहती है, अस्थाई जो नहीं रहती। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। गैसें, वायुमंडल में बहुत सारे गैसें पाई जाती हैं, ये तो हम सबको ही पता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 आदि, जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, स्थाई गैसें कौन सी हैं? देखिए, इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में सदैव स्थिर रहती है। जैसे कि नाइट्रोजन की है 78% कॉन्स्टेंट है, O2 की है 21%, आर्गन की है 0.9% आदि। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में कौन सी गैसें सर्वाधिक हैं, उनका क्रम बताइए, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। फिर जो हमारी आती हैं अस्थाई गैसें, इन गैसों की मात्रा या अनुपात सदैव परिवर्तनशील रहता है, मतलब ये कम ज़्यादा होती रहती हैं। CO2 जैसे कि CO2, O3, मिथेन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये CO2 दे रखे 0.3%, O3 1, मिथेन 1, तो आप ये चीज देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये तो हमारी गैसें हो गई कंप्लीट। अब फिर हमारी आती हैं जलवाष्प, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि के वाष्पीकरण से प्राप्त जल गैसीय अवस्था में वायुमंडल में पाया जाता है, जिसे जलवाष्प कहते हैं। जैसे कि ये हमारी नदियां हैं, ये हमारा मान लो ये हमारा पानी है, वो किसी भी रूप में हमारा पानी है, तो ये भाप बनकर उड़ जाता है, तो ये जो उड़ जाता है ना, ये ही हमारा जलवाष्प बनकर वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। क्षोभ मंडल में घटित होने वाले समस्त वायुमंडलीय विक्षोभ या झंझावात क्या होते हैं? जैसे कि वर्षा, तूफान, चक्रवात आदि, ये हमारे वायुमंडल में घटित होने वाले झंझावात या विक्षोभ हैं, की उत्पत्ति हेतु जलवाष्प ही उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन कई बार पुट अप हो जाता है कि इन चीजों की उत्पत्ति के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। 3-4 आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो उनमें से आपको एक को चूज करना पड़ता है। फिर हमारा आता है वायुमंडल का कुल 5% भाग जलवाष्प से निर्मित है। कितने परसेंट भाग हमारा? 5% भाग जो है जलवाष्प से निर्मित है। जलवाष्प का कुल 95% भाग मात्र 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। जलवाष्प सबसे ज्यादा 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही पाया जाता है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है धूल कण तथा नमक के कण, ये भी हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले मुख्य तत्व हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म ठोस पदार्थ, ये एकदम सूक्ष्म होते हैं और ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे धूल कण हो गया, नमक के कण, जो निलंबित अवस्था में, निलंबित मतलब सस्पेंडेड अवस्था में, ऐसे ऐसे
आपने देखा भी होगा कई बार धूप आती है तो उसके साथ साथ ऐसे ऐसे हमें छोटे छोटे कण से दिखाई देते हैं, तो वो होते हैं धूल कण। ठीक है, ये सस्पेंडेड अवस्था में पाए जाते हैं। धूल कण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, ठीक है, जिससे इनके चारों ओर जल वाष्प का संघनन होने के कारण वर्षा की बूंदों का निर्माण होता है। आर्द्रता ग्राही होते हैं मतलब ये आर्द्रता को लेते हैं, और जल वाष्प का संघनन होने के कारण, जल वाष्प होता है पता है हमें, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है तो बारिश होती है, पहले जल होता है, ये हमारा जल हो गया, ये वाष्प बन के उड़ता है, वाष्प बन के उड़ने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के द्वारा वाटर फिर से नीचे उतरता है, तो इस क्रिया के लिए हमारे धूल कण जो है उत्तरदायी होते हैं और इनके वर्षा की बूंदों का निर्माण होता है। फिर है धूल के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं जिसके कारण वायुमंडल नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का हमें पता ही है, ये कोई चीज है तो ये फैलाओ कर देना, दैट कॉल स्कैटर। ओके, तो धूल के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं जिसके कारण वायुमंडल नीला दिखाई देता है। तो ये कुछ टॉपिक्स, ये कुछ 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वायुमंडल का निर्माण किन किन चीजों से होता है, कैसे, जल वाष्प और धूल के कण, ये आप याद रखिएगा, इनको ठीक से देख लीजिएगा और वीडियो को एक दो बार देखिए जिससे आपको दोबारा से इसको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। और आपसे यही कहूंगी कि अगर कोई कमी आपको लगती है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हर टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी, तो डेली मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और बस आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक्स।